4 से 10 दिसंबर तक आयोजित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह में किए गए विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों के परितोषित एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज परिसर में किया गया, जिसमें लगभग 500 छात्र छात्राओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। समापन समारोह में विद्यार्थियों एवं विजयी प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित व मुख्यमंत्री व गोरखपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के महंत सुरेश दास, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह तथा लेफ्टिनेंट जनरल आरपी शाही के द्वारा पुरस्कृत किया गया। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक समारोह के अवसर पर दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कारों में श्रेष्ठतम संस्था का गुरु श्री गोरक्षनाथ स्वर्ण पदक पुरस्कार महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स गोरखपुर को, श्रेष्ठतम शिक्षक का पुरस्कार योगीराज बाबा गंभीरनाथ स्वर्ण पदक पवन कुमार पांडे को, गोरखपुर स्नातकोत्तर कक्षाओं में श्रेष्ठतम विद्यार्थी का ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ स्वर्ण पदक पुरस्कार महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगर दूसड़ के एमए द्वितीय वर्ष के छात्र राहुल गिरी को, स्नातक कक्षाओं में श्रेष्ठतम विद्यार्थी का ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ स्वर्ण पदक दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर के बीए प्रथम वर्ष के छात्र सागर चौधरी को, माध्यमिक वर्ग के श्रेष्ठतम विद्यार्थी का महाराणा मेवाड़ स्वर्ण पदक पुरस्कार महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर के कक्षा 12 के छात्र गणेश पांडे को प्रदान किया गया। इसके अलावा शोभा यात्रा में श्रेष्ठ अनुशासन एवं पथ संचलन के पुरस्कारों में शोभा यात्रा का प्रथम पुरस्कार महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगर दूसड़ को, द्वितीय पुरस्कार महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स को, तृतीय पुरस्कार महाराणा प्रताप कृषक इंटर कॉलेज जंगल दूसड़ को तथा प्रोत्साहन पुरस्कार श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग गोरखनाथ गोरखपुर को एवं दिग्विजयनाथ एलटी प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर को प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख 11 पुरस्कारों की भी घोषणा कर दी गई है, जिसमें महाराणा भगवंत सिंह स्मृति पुरस्कार प्रगति पांडे को, स्वर्गीय चौधरी विनोद कुमार स्मृति पुरस्कार श्रेया जायसवाल को, डॉक्टर हरिप्रसाद शाही स्मृति पुरस्कार नेहा गुप्ता को, लक्ष्मी शंकर वर्मा स्मृति पुरस्कार सुजाता मौर्य को, चंडी प्रसाद सिंह स्मृति छात्रवृत्ति विशाल यादव को, स्वर्गीय राम नरेश स्मृति पुरस्कार गणेश गुप्ता को, सुशीला देवी स्मृति पुरस्कार श्वेता सिंह को, माँ गंगा देवी स्मृति पुरस्कार माधवेन पति त्रिपाठी को, चौधरी रामलखन स्मृति पुरस्कार साधना चौरसिया को, चौधरी कृष्णा स्मृति पुरस्कार सौम्या सिंह को, पंडित बब्बन मिश्र स्मृति पुरस्कार वैष्णवी अग्रहरी को प्रदान किया गया। इधर मैडम गुरु गोरक्षनाथ स्वर्ण पदक प्राप्त करते हुए बोलिए 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 देखिए उसके बाद प्राप्त किया आपने और दूसरा नंबर श्री पवन कुमार पांडे दिव्यनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर। इसके बाद आ जाए राहुल जी ब्रह्मलीन महंत इधर देखिए करो भाई हाँ इधर देखिए श्री पवन पांडे सांस्कृतिक कार्यक्रमों शिक्षा क्रीड़ा आज तमाम सारी क्षेत्रों में विशेष राहुल जी इधर देखिए बेटा इधर देखो देखना बाबू इधर हो गए जो सामने देखो सामने देखो सामने देखो सामने उसके बाद आ जाए नेहा गुप्ता इसके बाद श्रेया जायसवाल लोकेट नंबर 15 विशाल यादव इसके बाद सुशीला देवी स्मृति पुरस्कार क्योंकि नंबर 17 श्वेता सिंह इसके बाद राम लखन स्वर्गीय क्योंकि नंबर 20 सौम्या सिंह पुरस्कार इसके बाद क्योंकि नंबर 21 वैष्णवी अग्रहरी इसके बाद संस्कृत भाषण प्रतियोगिता गोरखनाथ संस्कृत माध्यमिक विद्यालय गोरखनाथ संस्कृत गोरखपुर को प्रदान किया गया। भास्कर तिवारी कार्यक्रम मुख्यातिथि अस्य कार्यक्रम अध्यक्ष
अस्याम सभायाम उपस्थिताः सर्वे अतिथयः श्रोतारश्च भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अहं प्रणामं निवेदयामि। अद्य चर्चायाः विषयः नवशिक्षानीतेः नवभारतनिर्माणनीति। महोदयाः, शिक्षा सा प्रक्रिया या आजीवनं प्रचलति। एवमेव इयं नवीन शिक्षानीति अभिवर्तते। अस्यां हि नवशिक्षानीत्यां शिक्षायाः प्रतिजनं प्राप्त विषये, समानता विषये, उत्तरदायित्वादि विषयेषु च प्रामुख्येन ध्यानं प्रदत्तम्। शिक्षायां मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषायां वा अध्ययनाध्यापन माध्यमं सशक्तं कर्तुं प्राबल्येन चिन्तितम्। येन कारणेन ये छात्राः स्वमातृभाषा मध्येच अन्यान् भाषान् रुचिपूर्वकं न पठन्ति अथवा अधिगमे अतीव काठिन्यम् अनुभवन्ति तेभ्यः छात्रेभ्यः अधुना स्वमातृभाषा और बिंदुवारी प्रकरण नंबर 27 मत बनाओ सर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय श्री गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय आगे उत्तर का ग्रुप बनाओ। हिंदी भाषण प्रतियोगिता आपकी महावेश्वरी आगड़ी मंच आप श्री महान भाव के सुचरों में आत्मनिर्भर भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के कदम से कदम मिलाकर दृढ़ संकल्पित होकर हम सभी को आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा। अपनी स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना होगा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने स्वाद सुगंध को पहचानना होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत ही धन्य है। यूनान रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी। हमको याद रखना पड़ेगा कि हम कैसी भारत संस्कृति से हैं। जिस भारत ने नभे जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिंदी का वक्त चीर भूसे प्रकटी पावन गंगा, जिसने हिंदी का वक्त चीर भूसे प्रकटी पावन गंगा, उस भारत भूते उठाने पर हमको आगे बढ़ना होगा। आत्मनिर्भर का जीवन बजा, विदेशी भावों को बदलना होगा, उस सामंतवादी को बदलना होगा। भारत माता की। और इसके बाद टोकन नंबर 30 ग्रेट फाइनल। सब लोग सकते हैं। मतलब लगभग 1,25,00,000 लोगों को रोजगार देने के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना की शुरुआत की गई। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की 3,25,00,000 गरीब महिलाओं के जनधन खाते में लगभग 5,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। तो प्रदेश सरकार के प्रयास और उपलब्धियाँ इस संकट में विराट है, क्योंकि यह राज्य भर नहीं बल्कि अकेले दुनिया के कई देशों से बड़ा है। यूरोप, फ्रांस, इटली जैसे विकसित देश जो विपत्ति से बहुत जल्द हार गए, वहीं प्रदेश सरकार ने महामारी से अपने लोगों को बचाने और साथ ही साथ उन्हें रोजगार देने के उपाय में काफी पीछे छोड़ दिया है। इसे ही कहते हैं कर्मों का क्या रोना, रोने से कभी न कोई जीता है। जो विष धारण कर लेता है वही अमृत को पीता है। धन्यवाद। जय हिंद। और इसके बाद मानवेंद्र पत्र त्रिपाठी टोकन नंबर 33 अर्पिता मिश्रा कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज। The arrival of new education policy is going to trace the historical future of our education system. The provision of multiple entry and multiple exit options is going to ensure that there could not happen any suicidal attempt in our India. The provision of there will not be any barrier within the subject industry will ensure that a child will flourish in each and every sphere of life. The provision of making India to make for the world, the idea of job seekers to job creators, this is going to reduce the problem of unemployment in India and it will create self-employment for each and every one in the region. Thank you so much. 39. मैं करता हूँ अपने प्रकाश देने के लिए आनंद प्रतियोगिता अंकिता तिवारी। आई सुजन तिवारी। इसके बाद आमंत्रित करता हूँ माननीय जल संसाधन मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह का। सुजन तिवारी वैष्णवी अग्रणी 45 शालिनी यादव 49 Thank you.
खुशी चौहान, अजीत यादव, रंशिका यादव, प्रियांशु गुप्ता, उनसठ, हर्षित मौर्य यादव, 61, आजाद अली, हाँ रुद्र दुबे, 63, राजदीप कुलकर्णी, 61, 62, आजाद अली, और इसके बाद त्रिशत। इसके बाद युवासन प्रतियोगिता, इसके बाद ट्रॉफी नंबर 66, इसके बाद चित्रकला प्रतियोगिता हाँ ट्रॉफी नंबर 67, सरिता पटेल शिक्षा प्रद संभोजन प्रतियोगिता, वैष्णवी अग्रही रितेश मदनवाल भारतका मदनवाल भारतका, इसके बाद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता इसके बाद हिंदी ट्रॉफी नंबर 1A अनु गुप्ता श्रद्धा पांडे 92B अंशिका दुबे 92 सौम्य सिंह 92A 93C अजब ए श्रेयान सोनी 94B अखंड प्रताप सिंह 94C प्रत्यक्ष भट्ट माणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज शिवराज गोरखपुर ज्योति यादव 95A अंकिता यादव 95B स्थान पर आरपी अकादमी सिविल लाइन गोरखपुर आदित्य त्रिपाठी 96A शौर्य प्रताप सिंह 96B कुंज बिहारी शुक्ला 96C 97B सुशील कुमार त्रिपाठी 97C द्वितीय स्थान दिव्यनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर मनीषा पांडे 99A श्रुति पांडे 99B इसके बाद समय शशांक शेखर देखो इधर सीनियर डिवीजन 102 103 ट्रॉफी नंबर 103 साक्षी को सीनियर महाराष्ट्र तालुका इंटर कॉलेज जूनियर डिवीजन महावीर उपाध्याय साथ में खड़ा करिए साथ में साथ में साथ में इसके बाद होस्ट का विजय चौधरी गुप्ता 132 अर्पिता सिंह 133 अनुराग जायसवाल 134 आर्यनाथ शर्मा 135 सानिया 137 प्रीति यादव 138 रूपाली पासवान 139 मुस्कान कुमारी 140 प्रिया पाल वर्षा मिश्रा उजाला यादव 3 इसके बाद सर आ जाओ बेटा थोड़ा आगे आ जाओ सब लोग एक